हाँ जी, 8th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत दिन से मेरे पास बार बार बच्चे कह रहे थे मैम 8th का बनाओ, 8th का बनाओ। तो लो, मैंने 8th का चैप्टर मैथ का ये डाल दिया। कौन सा डाला है? आसान वाले से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा के बहुत मुश्किल वाले चैप्टर पे भी चले जाएंगे। देखो, जो 8th क्लास है वो हमारा बेस होता है बेटा क्लासेस का। 8th में अगर आपने मैथ को मजबूत कर लिया तो 9th 10th विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पार्स। दिस इज द चैप्टर 12 ऑफ एनसीईआरटी बुक। नाउ इस चैप्टर में हमने मेन चीज पढ़ना है पावर्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हैं, पावर्स क्या हैं। तो देखो, एग्जांपल लेते हैं हम 10 raised to the power 8। नाउ दिस इज आवर पावर एंड दिस इज द बेस। 10 और बोलते कैसे हैं, 10 raised to the power 8। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो, बड़ा आसान है। 10 की पावर 2 है, 10 की डिग्री 2 है, 10 की पावर 2 है, तो 10 को दो बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 की पावर माइनस 2 है तो वो 10 1 बाय हो जाएगा। समझ में आया? तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 10 की पावर माइनस 2। उल्टा देखो, 10 का उल्टा 1/10, 10 का उल्टा 1/10। पावर में जब उल्टा आएगा तो देखो, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, प्लस का उल्टा माइनस। तो अब आपको आ गया समझ में, ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, राइट? तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 10 × 10 × 10, 10 तीन बार आया तो 10 की पावर हो गई 3। 1/10, 1/10, 1/10। अब 10 नीचे आ गया है तो 10 raised to the power हो गई -3। अब देखिए 1/7 × 1/7 × 1/7 × 1/7, 7 नीचे आ रहा है इसलिए पावर माइनस में जाएगी। और कितनी बार आ रहा है देखो, ये आ रहा है हमारा 4 बार, 1, 2, 3, 4, तो पावर हो जाएगी हमारी -4। तो इनवर्स होता है, अगर हम किसी चीज़ को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आ जाए। तो देखो, इस 10 का इनवर्स हुआ ये पावर थी +1, ये पावर थी -1, तो इसका इनवर्स हो गया ये। अब देखो और भी एग्जांपल लेते हैं इनवर्स के, कैसे क्या क्या है। 10 raised to the power 3 का इनवर्स होगा, यानी कि पावर माइनस में हो जाएगी, वो बन जाएगा उसका इनवर्स। यहाँ पे देखो -4 है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 हो गया, यहाँ -2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हैं हमारे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, आया अब आपको समझ में? तो एक बार फिर से बता देती हूँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये बेस है, ये पावर है। और पावर को खोलते कैसे हैं, जितनी पावर दे रखी है उतने ही बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस हो तो 1/ हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, और लॉज क्या कहते हैं, हमें बता रहे हैं कि पावर्स कैसे काम करती हैं, कैसे करेंगे। देखिए, am/an, जब ये पावर्स इस तरीके से होंगी, am/an, पावर अलग अलग हैं, बेस सेम है। देखिए, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स हमेशा घट जाती हैं। जब बेस सेम हो और बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जुड़ जाएंगी, डिवाइड हो रहे हैं तो घट जाएंगी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जुड़ जाएंगी। अगर इस तरीके से ए एम, उसके बाहर भी पावर खड़ी है, तो दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स जो हैं अलग अलग हैं, तो दोनों पावर्स घट रही हैं। बेस सेम है, पावर्स जो हैं अलग अलग हैं, तो ये पावर्स जुड़ रही हैं। देखो, 6 + 7 = 13 होता है। अब देखो, पावर अगर 6, इसके बाहर भी पावर खड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a raised to the power 12 बन जाएगा। अब बेस अलग अलग हो, ए और बी, पावर सेम हो, तो उस बेस की एक ही पावर बन जाएगी, a/b raised to the power m। और देखिए, बेस अलग अलग हैं, इसको बेस कहते हैं ना, और ये पावर सेम है, तो a/b की पावर हो गई 3। अब देखो, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। 7 की पावर 0, यानी कि उसकी कोई ताकत ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, 1, राइट? तो देखिए, अब
अगर ए रेज टू पावर एम है, बी रेज टू पावर एम है, बेस दोनों अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट की पावर बन जाएगी एम। इसका एग्जाम्पल लिया ए रेज टू पावर टू, बी रेज टू पावर टू, तो उनके प्रोडक्ट का रेज टू पावर टू हो गया। और देखिए अगर किसी भी पावर, कोई भी पावर नेगेटिव में आती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो वन बाय हो जाता है, वन बाय फिर वो पॉजिटिव पावर बन जाती है। अगर जीरो की कोई भी पावर लेते हैं, जीरो को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही रहेगा। ये मैं जनरल बात बता रही हूँ, रूल हमारे यहाँ तक ही है, ये लॉज हमारे यहाँ तक है। ये जनरल बात है कि जीरो को कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले तो जीरो ही रहेगा, वन को कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले तो वन रहेगा, वन की नेगेटिव पावर भी ले ले तो भी वन रहेगा। तो बेटा ये सारी बातें आपको लर्न करनी है, इनके मैं अभी एग्जांपल लेकर के आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो ये आपको लॉज लिख लिख के याद करने हैं, वीडियो के साथ में कॉपी लो और लिख लिख के बार बार इनको याद करो। तो आओ बेटा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ करो बेटा, तभी आएगा। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में टू रेज टू पावर माइनस थ्री दिया है, इसका मतलब क्या होता है, जब माइनस में पावर होती है तो ये टू नहीं, ये वन बाय टू बन जाता है। इसको कितनी बार लिखना है, तीन बार, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा वन बाय एट। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, वन रेज टू द पावर थ्री, वन बाय थ्री रेज टू द पावर माइनस टू, क्या दिया है, वन बाय थ्री रेज टू द पावर माइनस टू। अब इसको हम उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव में थ्री रेज टू द पावर टू, इसका मतलब है थ्री इंटू थ्री, और मल्टीप्लाई करने से आंसर आया नाइन। तो अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर टू का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। देखो माइनस फोर रेज टू द पावर फाइव इंटू माइनस फोर रेज टू पावर माइनस टेन। देखो बेस सेम है तो पावर्स जुड़ेंगी, जुड़ेंगी कैसे, फाइव प्लस माइनस टेन। अब माइनस टेन क्यों आया, देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ये आपने सिक्स में अलजबरा में पढ़ा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से होते हैं माइनस, डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं माइनस, और अगर सेम सेम साइन को जोड़ दिया जाए तो प्लस हो जाते हैं। तो देखो माइनस फोर का क्या आ जाएगा, माइनस फाइव पावर आ जाएगी, फाइव में से टेन घटाएंगे तो पता है ना आपको बड़े नंबर का साइन लगता है, तो इज इक्वल टू वन बाय, ये पावर थी माइनस में इसलिए नीचे चली गई, तो आंसर आया हमारा वन बाय माइनस फोर रेज टू द पावर फाइव। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, टू रेज टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय टू रेज टू द पावर माइनस सिक्स। तो देखो दो बेस सेम है तो पावर्स घट जाएंगी, फाइव ऑफ फाइव और फाइव माइनस ऑफ माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस माइनस सिक्स, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। याद रखना है आपको माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके होते हैं प्लस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये बात याद रखनी है, ये सिक्स्थ की बात है, जब इस तरीके से मल्टीप्लाई होते तो प्लस होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो माइनस, और अगर इस तरीके से भी है तो माइनस, तो अलग 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 साइन अगर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आएगा, सेम सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आएगा, यही बात हमने यहाँ पे लगाई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव प्लस सिक्स क्या आ गया, टू रेज टू द पावर इलेवन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्सप्रेस करना है एज द पावर विद द बेस टू, बेस हमें टू बनाना है, इसको बेस टू की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हमने फोर को तोड़ दिया दो हिस्सों में, टू इंटू टू, टू की पावर कितनी हो गई टू, और बाहर खड़ी है माइनस थ्री, तो अब देखो एक अंदर है पावर एक बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू रेज टू द पावर माइनस सिक्स आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, हमें स्टेटमेंट दी है टू रेज टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय टू रेज टू द पावर एट इंटू टू रेज टू द पावर माइनस फाइव। अब देखो यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, डमास लगा देंगे, डिवीजन पहले होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे टू रेज टू पावर माइनस थ्री आ जाएगी, बाहर फाइव खड़ी है, इसको साथ में ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब देखो इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, टू रेज टू पावर माइनस फिफ्टीन आ गया, और यहाँ पे था टू रेज टू पावर माइनस फाइव, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, सेम सेम नंबर है, इसलिए इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों साइन माइनस के हैं,
तो माइनस के साइन इकट्ठे हो जाएंगे, -15 और -5, माइनस के कितने हो गए, -20। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा देखो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस करवाऊंगी, बीच वाले जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं, अगर नहीं आते हैं, अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, मैं वो भी कोशिश करूंगी समझाने की। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3^-2। इसका मतलब होता है 1/3 की पावर 2। पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाय करना पड़ेगा। अब इसको खोल देंगे, 1/3 × 1/3, 1/3 × 1/3 हमारा क्या आ गया, 1/9, राइट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, -4^-2। इसका मतलब है 1/-4 की पावर 2, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/-4 × 1/-4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 होते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 1/16। थर्ड पार्ट देखिए, 1/2 raised to the power -5। अब देखिए 2 की पावर जो है ये उल्टा होकर के क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, और 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32 आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -5^5 - -5 जस्ट ए मिनट, दोबारा से देखते हैं, -4^5 - -4^8। देखो बेस सेम है और पावर्स इसलिए हमारी घट जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है, -4 की पावर बन जाएगी 5 - 8, 5 में से 8 घटाएंगे, बड़े वाले का साइन आएगा, -3 हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 की पावर -3 को 1 बाय ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। और इसके आगे भी कर सकते हैं बेटा हम, कैसे, ऐसे 1/-4 × 1/-4 × 1/-4, अगर वो इवेल्युएट करने के लिए कहता ना तो हमें आगे भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 1/4 = 16, 4 = 64, और माइनस अगर ओड बार आता है तो माइनस रहेगा, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है ना माइनस मल्टीप्लाई होने में, तो ओड बार आएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ गया -1/1/64, आंसर क्या आ रहा है हमारा, -1/64, ठीक है बेटा। अब देखो आपकी बुक में तो इतना ही आंसर दिया हुआ है, मैंने आगे भी करके दिखा दिया, अगर वो इवेल्युएट करने के लिए कहता है तो इतना कर दो, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। आगे देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, वो दिया हुआ है हमारे को, नहीं सेकंड का थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट देखो, -3^4 × 5/3 raised to the power 4। ध्यान से देखना है, देखो हमने क्या किया, माइनस को अलग कर दिया, -1 की पावर 4 लिख दिया इसको, और यहाँ पे रह गया माइनस, बाहर आ गया ना, तो 3 की पावर 4 रह गया, यहाँ पे देखो 5 की पावर 4 कर दिया और यहाँ पे 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया, और -1 की पावर अगर इवन होती है तो 1 बन जाता है, और ये बच गया हमारा आंसर 5^4, दिस इज़ आवर आंसर, राइट बेटा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाती है, अगर ओड है तो माइनस रहती है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें लग रही हैं बेटा। अभी आप छोटे हो, आपको छोटी छोटी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आगे 9th-10th में भी इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करोगे, तो इनको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखिए, सेकंड का फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, 2^-3 × 7^-3, 2 की पावर -3। देखो इट्स अ बिग मिस्टेक, क्या करें बोलो, बता सकते हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए था, कैसे, देखो 1/2 × 1/2 × 1/2, राइट बेटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा बता सकते हो, करो मल्टीप्लाई अपने आप करके देखो कि क्या आंसर आएगा, 2 2 = 4 2 = 8, 8 को इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, और फिर अपने आप आंसर लिख लेना मल्टीप्लाई करके, राइट, 1/समथिंग आ जाएगा, वो होगा हमारा आंसर। और अगर हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा क्या आना चाहिए बोलो, क्या आना चाहिए फिफ्थ पार्ट का, ये देखो माइनस भी लगाना है हमें यहाँ पे,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करें तो भी आंसर ऐसे लिख सकते हैं। देखो 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/14 रेज टू द पावर, कितनी पावर आई बोलो, 3। इज दैट क्लियर? -14 की पावर आई 3। देखो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो मुसीबत में फंस सकते थे। देखो ये माइनस हम भूल गए थे, दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, माइनस ना 2 रेज टू द पावर -3, तो हमने 1/2 1/2 1/2 लिख दिया। अब देखिए -7 की पावर -3 था, -3 है इसलिए नीचे जा रहा है ये नंबर, तो -7 -7 -, तो हमने क्या किया, 14 14 बना दिया। देखो 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14, और 14 14 हमारा आया 3 बार। देखो ऐसे लिख लेते हैं, -14 -14 एंड दिस इज ऑल्सो -14, तो कितनी पावर आई, 3। तो ये देखो कितना इजीली हो गया, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो एक्सपोनेंट्स में हमारे लिए इजी हो गया, राइट बेटा? यस बेटा। अब हम देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो देखो 3 की पावर, किसी भी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, यहाँ पे -1 है इसलिए नीचे जा कर के 4 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया। एलसीएम लिया हमने, 4 प्लस 1/4 इंटू 4, 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट हो गया और आंसर आ गया 5। अब देखिए सेकेंड पार्ट, 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1। देखो अब हमने इस 2 को भी 2 में ही ले गए, बेस सेम बना दिया, 2 की पावर -2 कर दिया। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, माइनस के कितने हो जाएंगे, -3। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे देखो, तो इनकी पावर घट जाएंगी, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 की पावर बच गई -1, और -1 का मतलब होता है कि नीचे चला गया है नंबर, 1/2 हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो थर्ड का थर्ड पार्ट, देखो इसमें दिया हुआ है 1/2 रेज टू द पावर -2, 1/3 रेज टू द पावर -2, 1/4 रेज टू द पावर -2। तो देखो हमने सबको उल्टा कर दिया, पावर को पॉजिटिव बना दिया, 2 रेज द पावर 2, 3 रेज द पावर 2, 4 रेज द पावर 2। अब देखो इन पावर्स को खोल दिया, 2 इंटू 2, 2 पावर थी इसलिए 3, 2 पावर है इसलिए 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 29। तो बेटा देखो हमने अभी एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ एग्जांपल किए हैं, और इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड फॉर्म और बचे हुए एग्जांपल्स कराऊंगी, आप इनकी प्रैक्टिस करो। तो जैसे ही सेकंड वीडियो आएगा तो उसको भी देखना और प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, तभी डालूंगी सेकंड पार्ट में। ओके बेटा, बाय।